गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि फेल्ट शीट की हेल्प से हम तीन अलग अलग तरह के फ्लावर्स कैसे बना सकते हैं। और ये तीनों फ्लावर्स मैंने सेम कटिंग मेथड की हेल्प से बनाए हैं, मतलब आप सेम कटिंग करके आप तीन अलग अलग तरह के फ्लावर्स बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं। सो ये फ्लावर्स बनाने के लिए हमें फेल्ट शीट चाहिए, एक स्टिक चाहिए, एक ग्रीन पेपर टेप चाहिए स्टेम बनाने के लिए, सीजर और ग्लू गन चाहिए। जो फेल्ट शीट होती है बेसिकली वो क्या होता है, फेल्ट एक तरह का वूलन कपड़ा होता है जिससे आपने कई बार देखा होगा हेयर बैंड्स और जो सॉफ्ट टॉयज होते हैं बच्चों के, इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, सॉफ्ट भी होता है और एक हार्ड भी होता है। सो चलिए अब हम देखते हैं कि फ्लावर्स को कैसे बनाना है। सो सबसे पहले अब हम लैवेंडर फ्लावर्स बनाना सीखते हैं। इसके लिए मैंने फेल्ट शीट का एक रेक्टेंगुलर पीस काट के रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ग्लू गन की हेल्प से इसकी दोनों साइड्स को आपस में चिपका देंगे। सो अब हमने दोनों साइड्स को चिपका दिया है ग्लू गन की हेल्प से। अब हम सीजर लेके इसे लंबा लंबा काटेंगे। आपको ध्यान रखना है कि इसे एंड तक नहीं काटना है, नहीं तो ये कट के अलग हो जाएगा ये पीस। तो ऐसे हम एंड तक इसको लंबा लंबा काट देंगे। हमने सीजर की हेल्प से इस फेल्ट शीट को काट लिया है। अब हम इस फ्लावर की स्टिक बनाएंगे। स्टिक के लिए मैंने ये स्टिक ली है और ये ग्रीन पेपर टेप की हेल्प से हम इसको पूरा इसको लपेट देंगे। ये स्टिक अब हमारी तैयार हो गई है। अब हम इस फेल्ट शीट को स्टिक के अराउंड लपेट देंगे। इसे थोड़ी थोड़ी सी ग्लू गन लगा के स्टिक के अराउंड लपेटना शुरू करेंगे। So, ये हमारा लेवेंडर फ्लावर रेडी हो गया है। इस तरीके से हम लेवेंडर फ्लावर्स को रेडी करेंगे। अब हम देखेंगे कि सेम कटिंग मेथड से हम दो और तरह के फ्लावर्स बनाएंगे। So, अब हम उसी सेम कटिंग से ये दो और तरह के फ्लावर्स भी बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये फेल्ट शीट्स जो हैं रेक्टेंगुलर सेम उसी तरीके से उसी शेप में काट के रखे हुए हैं। सो सबसे पहले हम ये वाला फ्लावर तैयार करेंगे। सो हम वैसे ही जैसे हमने पहले शीट को आपस में चिपकाया था, इसे भी हम ग्लू गन की हेल्प से आपस में दोनों साइड्स को चिपका देंगे। साइड्स को उसी तरीके से आपस में चिपका दिया है और पहले की तरह ही हम सीजर की हेल्प से इसे सीधा सीधा काट देंगे। हमने सीजर की हेल्प से इसे पूरा एंड तक काट लिया है। अब हम इस पे ग्लू गन लगाएंगे और इसे रोल करेंगे। तो इस तरीके से रोल करके हमने इसे चिपका दिया है और ये हमारा फ्लावर रेडी हो गया है। ये देखिए, सेम मेथड से हमने ये लेवेंडर फ्लावर बनाया था और ये फ्लावर भी वैसे ही बनाया हमने सेम कटिंग की हेल्प से। अब हम सेम कटिंग की हेल्प से ये वाला फ्लावर बनाएंगे।
सो इस फ्लावर के लिए मैंने ये सॉफ्ट वाला फेल्ट कपड़ा यूज़ किया है। जिस तरीके से हमने पहले दोनों साइड्स को ग्लू गन से चिपकाया था, इसे हम वैसे नहीं चिपकाएंगे। इसे हम बस फोल्ड करके पहले सीधा सीधा सीजर से कट करेंगे, जैसे हमने पहले कट किया था, सेम उसी तरीके से हम इसको कट करेंगे। हमने सीजर की हेल्प से इसे पूरा एंड तक काट लिया है, बट अभी हमने इसको चिपकाया नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे सीधा नहीं चिपकाएंगे, यहाँ से गैप देके टेढ़ा चिपकाएंगे। इतनी जगह छोड़ के यहाँ से हम इसको ऐसे चिपकाना शुरू करेंगे। हम यहाँ से ग्लू लगाना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा गैप रह गया है, इस साइड भी और इस साइड भी। अब हम ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पूरा ग्लू गन लगा के इसको रोल करेंगे, जैसे हमने पहले किया था। अब हम इसको हल्के हाथ से इस तरीके से प्रेस करेंगे। सो ये देखिए हमारा तीसरी तरह का फ्लावर तैयार हो गया है और सेम कटिंग की थी हमने। सो आज आपने देखा कि हमने सेम कटिंग मेथड से तीन अलग अलग तरह के फ्लावर्स बनाए, और इन फ्लावर्स की हेल्प से आप घर में ऐसी चीज़ों को डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एक फोटो फ्रेम था, तो मैंने इन फ्लावर्स की हेल्प से इसे डेकोरेट किया। मैंने ग्रीन कलर के फेल्ट शीट के लीव्स काटे और साथ में उसके चिपका दिए। सो इस तरीके से आप घर में किसी भी चीज़ को डेकोरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।